नाटक का नाम क्या था? एकलव्य। एकलव्य क्यों? एकलव्य क्योंकि कॉन्स्टेंटली वी हैव बीन यूजिंग एकलव्य एज द मेटाफर। इट्स ओके, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। हां, इंग्लिश हिंदी आज ही। आई थिंक एकलव्य इज अ वेरी लाइक अ सिंबॉलिक मेटाफर इफ यू कंसीडर इंडियन माइथोलॉजी एंड ऑल्सो इफ यू कंसीडर हाउ वी हैव बीन यूजिंग एकलव्य एज अ phenomena as a metaphor to try and put our struggles in perspective. In the sense, if you go through the story of Eklavya, you would know he was from an indigenous community who was had to give up his thumb in exchange of knowledge which he could never be granted to him. So in a lot of ways, we are also trying to say that we as students who come from marginalized community, when you enter university, there is an ideal that the space is equal to all. And sadly, that is not the case. क्योंकि जो ideal है वो real नहीं है. और I think in a lot of ways हमारा like हमारा जो जितने भी conflicts है, जितना भी struggle है, ये इसी के आसपास है. That there should be equal opportunity. Okay, but the story of your Eklavya was completely related to the 22nd March incident which happened in our campus. That's why I'm using the saying that we are using Eklavya as a metaphor. If you observe the play very carefully, there is no Eklavya in the play because he has already been killed. That person, that spirit is not there. What is there is जो बचे कुचे आवाज है जो अभी भी उनके लिए बोल रहे हैं या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको बार बार जब्त भी किया जा रहा है. So the play is about the dying voice of Eklavya and the little screams that we can do through these things. Because evidently, if we go scream in his house, we will go get jailed. So we have to scream in these ways. Who has written the play? अभिषेक. You are the writer, Abhishek? No. Who is the writer? Actually, मैं तीन पार्ट में पूरा स्क्रिप्ट था, तो मैंने, सोहम ने और एक इकोनॉमिक्स के लड़के स्वयं ने, तीनों मिलकर स्क्रिप्ट लिखे थे. एक्चुअली आज वर्ल्ड थिएटर डे है. वर्ल्ड थिएटर डे है आज 27 है, 27 मार्च. और पीटीजी जो है कैंपस में लगातार नुक्कड़ नाटक और स्ट्रीट प्रोसेनियम थिएटर को लेकर सक्रिय रही है. और ख़ासकर जो हम हैं मुद्दा बेस्ड नाटक हमेशा करते रहे हैं. अभी जो आज हमने प्रस्तुत किया है उसका नाम एकलव्य था. और हम लोग को लगा ये सही समय है जब हम इस नाटक की प्रस्तुति कैंपस में दें. और हम लोगों ने अपने सारे सदस्यों को एकजुट किया और मात्र हम लोग एक दिन इसका रिहर्सल किए हैं और कम से कम हम लोग 2-3 घंटे में ही स्क्रिप्ट लिखे हैं. लग नहीं रहा था एक दिन का, ऐसा लग रहा था काफ़ी मेहनत. हाँ, क्योंकि डेडिकेशन था सारे लोगों का, सारे लोग हार्टली जुड़े हुए थे क्योंकि जो मुद्दा था वो हम लोगों का था. Exactly. और जो सब्जेक्ट था, कंटेंट था, उसके कारण जो सारे लोग थे वो पूरी तरह से हार्टली वैचारिक रूप से और इमोशनल दोनों ही रूप से नाटक से जुड़े हुए थे. जैसे अभी ही कल का कॉल दिया हुआ है कि सब स्टूडेंट अपना क्लासेस बॉयकॉट करके आए हैं. और क्योंकि देखिए, लाठीचार्ज होने के बाद शायद बहुत लोगों को डर होगा कि कल भी अगर हम लोग आते हैं कल कुछ हो सकता है या कल कुछ. तो आपको लगता है कि ये, मुझे जो लगा कि आपने इसलिए शायद प्ले किया ताकि आप लोगों को उस डर से बाहर निकाल पाएं. बिल्कुल, जब लाठीचार्ज हुआ उसके बाद एक सन्नाटा सा छाया और जो लड़के, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो हमारे साथ थे, लेकिन थोड़ा सा उनमें डर हुआ क्योंकि इतनी बुरी तरह से पुलिस उनको पीटी है बाकी बच्चों को. थोड़ा सा डर हुआ कि बच्चे को उठा ले रही है पुलिस, खाना बना रहे हैं हमारे कॉमरेड उनको उठा ले रही है पुलिस. तो उस डर से, उस फोबिया से उनको निकालने के लिए भी हमारा एक प्रयास था कि हम सब सामने हैं और जब हम सारे लोग एकजुट होंगे तो शायद जो पुलिस है उनको ये लगेगा, स्टेट को ये लगेगा कि ये लोग सत्य के लिए लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई और भी मजबूत है. आई थिंक देयर इज अनदर पॉइंट टू दिस मोबिलाइजेशन कि हम क्यों कर रहे हैं नाटक. इन ऑल द पोस्ट दैट यू सी दैट द वीसी इज राइटिंग टू द पेरेंट्स, प्लीज लेट द क्लासेस गो ऑन एज यूजुअल, ऐसा लाठी चार्ज हो गया, ही इज मेकिंग इट सीम लाइक ही हैज अ पैसिव रोल इन इट एंड ही डज नॉट हैव एन एक्टिव रोल इन इट. ही इज मेकिंग इट सीम लाइक द पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग इज अ माइनॉरिटी, व्हिच इज अ ग्रेट 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 लाइन. इट इज नॉट अ माइनॉरिटी. इफ इट वॉज अ माइनॉरिटी वी वुडंट हैव इलेक्टेड देम इन टू अ स्टूडेंट्स यूनियन फर्स्टली. सेकेंडली, वी हैव टू ब्रेक दीज यू नो मिसकंसेप्शन. बहुत लोगों को लग रहा है ज़्यादा लोग पहुँचेंगे लाठीचार्ज होएगी, ये तो कुछ ही लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है. अगर उस दिन आपने लोगों को घुसते हुए देखा होता तो आपको पता होता कि कितने सारे लोग हैं. सो वी हैव टू ब्रेक द मेंटेलिटी दैट दिस इज ओनली अ माइनॉरिटी पॉपुलेशन प्रोटेस्टिंग. दिस इज
एक्चुअली अ मेजॉरिटी पॉपुलेशन. ही हैज द एजेंसी, ही कैन मेक एनीथिंग सीम द वे ही वॉन्ट्स टू. बट वॉट एवर फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट वी हैव हियर लाइक दिस, वी विल ऑल्सो वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दोस. आप सभी लोग मतलब मिलकर जो स्टूडेंट्स मतलब कि मैंने कह रहा क्रिकेट देखना खराब है, लेकिन जो लोग आज भी क्रिकेट देख रहे हैं, क्या आप उम्मीद करते हैं कल रूम से निकलेंगे? आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि रूम से निकले और बाहर आके देखें कि मतलब स्टूडेंट्स क्या बात कर रहे हैं? आई थिंक इन द एज ऑफ 3G तो स्कोर्स तो ऐसे एप्स में ही पता चल जाते हैं यार. तो तुम्हें बैठ के देखने आ, मतलब तुम देख सकते हो वैसे नारे लगाते लगाते देखा जा सकता है. स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि आज अगर आप चुप रहे तो कल सन्नाटा छा जाएगा. ये जो कैंपस हमारे स्पेस है, जो एक डेमोक्रेटिक स्पेस हुआ करता था, यहाँ पे हमने तमाम तरीके की बातें उठाई हैं, तमाम डिबेट्स किए, अफसवा से लेकर भारत के नेशनलिटी तक के डिबेट्स हमने किए हैं. एक टाइम पे जब ये गेट, ये जो कॉलेज का गेट है, रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता था, ऐसा एक नोटिस आया था, तब भी हम लोगों ने मार्च किया था VC लॉज तक और हमने प्रोटेस्ट किया था, और उसी दिन वो जो नोटिस था उसको स्क्रैप कर दिया गया था. आज स्थिति ये हो गई है कि मैं आई कार्ड लेकर मैं घूमता हूँ और पुलिस मेरे से 5 बार पूछते कि आप स्टूडेंट हो या नहीं हो. कल बड़ा अजीब लगा जब गेट पे मैं गया और मैं सिक्योरिटी गार्ड में से कहता, पांडे जी आई कार्ड दिखाओ. ही नो मी बाय माय नेम बट स्टिल इज आस्किंग अबाउट द आई कार्ड एंड व्हाट इज दैट. एंड एट द सेम टाइम ही अलाउंग मेनी पर्सन टू एंटर इनसाइड द कैंपस विदाउट चेकिंग आई कार्ड्स. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस प्लेस नेम वॉज द एकलव्य. हमारे पूरे प्रोटेस्ट में फ्रॉम द जनवरी टू टिल नाउ एक सिंबॉलिक है. एकलव्य को हमने सिंपल सिंबल बनाया है जो कि हिंदू माइथोलॉजी से निकलता है, द्रोणाचार्य एकलव्य की कहानी से. हम लोगों ने एकलव्य को एक सिंबल इसलिए बनाया कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो मेंटेलिटी है हमारे टीचर्स की, उसमें अभी भी द्रोणाचार्य वाले विचार एग्जिस्ट करते हैं. वो अभी भी द्रोणाचार्य की लाइन पर सोचते हैं, वो अभी भी द्रोणाचार्य की तरह एक्ट करते हैं. वो देखते हैं कि मेरा स्टूडेंट का कास्ट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका क्लास क्या है. वो अभी भी अश्वत्थामा और एकलव्य में डिफरेंस पैदा करते हैं. वो अभी अर्जुन को बचाने के लिए, एकलव्य का अंगूठा मांगने के लिए, अब तो स्थिति ये हो गई एकलव्य का सिर मांगने लग गए हैं. ऐसी स्थिति में हमने ये प्ले बनाया. हमारे प्ले में आपको कहीं एकलव्य नहीं दिखा होगा, पर हमारा प्ले का जो एकलव्य था वो हमारा दर्शक था. हमारे दर्शकों में एकलव्य थे. और जो लास्ट सीन था हमारा प्ले का, कि उस वो हजारों एकलव्य जो दिखे मुट्ठी भर प्रोफेसर्स को, हमारे थप्पा राव को, उनकी चौंधाहट में सबके सब धराशाही हो गए. उसी एकलव्य की खोज में, उन्हीं सभी एकलव्य को एकजुट करने के लिए हमने प्ले बनाया. और हमें ये कहते हुए हर्ष है, हम खुश हैं, हम उत्साहित हैं कि 200-300 एकलव्य यहाँ एकत्रित हुए. और हमें और उत्साहित होंगे अगर कल हजारों एकलव्य सॉप कम पे एकत्रित होंगे और इस मूवमेंट को और आगे ले जाएंगे. पुलिस ब्रुटैलिटी जो हमने 22 तारीख को देखा, वो अप्पा राव की हार का एक तरफ एक और कदम है. वो उस दिन बहुत हतोत्साहित थे, घबराए हुए थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने अपने कैंपस में अपने ही बच्चों के आगे पुलिस को ये ऑर्डर दिया कि इनको मारा जाए, पीटा जाए और जेलों में भर दिया जाए. उन्हें नहीं पता था कि हम वो चीज़ हैं, हम वो बीज हैं जिनको आप जितना दबाओगे वो उतना उठेंगे, उतने भड़केंगे, उतने ज्वाला बन के उभरेंगे. हम वो बीज हैं जिनको अगर आप दबाओगे तो हम पेड़ बन के उभरेंगे. जिस दिन लाठी चार्ज हुआ था उस दिन आपको भी चोट लगा था? हाँ, मैं वहीं था. मैं 2 बजे वहाँ पहुँचा था, शाम के 6:30 तक था. मुझे लाठियाँ भी पड़ी, मुझे भगाया गया, मुझे दौड़ाया गया, मुझे ह्यूमैनिटीज बिल्डिंग तक खदेड़ा गया. ह्यूमैनिटीज बिल्डिंग यहाँ पे पढ़ाई होती है, इसका VC लॉज से कोई मतलब नहीं है. वहाँ तक पुलिस के खदेड़ने का कोई मतलब नहीं बनता. पुलिस वहाँ से सिर्फ हमें हटाना नहीं चाहती थी, VC लॉज से निकालना नहीं चाहती थी. पुलिस के दिमाग में एक मकसद था, वो हमें डराना चाहती थी, वो हमें धमकाना चाहती थी, वो हम एक माहौल पैदा करना चाहती थी कि दोबारा कोई ऐसा गैदरिंग ना करे, दोबारा कोई इकट्ठा ना हो और VC के खिलाफ आवाज़ नहीं इकट्ठा उठाए. पर उन्हें नहीं पता हम वो चिंगारी हैं जो उस VC के पूरे मंसूबों में आग लगा के रख देंगे, उनको जला के भस्म कर देंगे. और एक दिन वो समाज, वो कैंपस बनेगा जो पुराना कैंपस था, पीसफुल डेमोक्रेटिक स्पेस जिसमें हर एक तरह के डिबेट्स होंगे. एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें इस कैंपस में जातिवादियों, मनुवादियों, ब्राह्मणवादियों, फासीवादियों के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा. हमेशा एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें मनुवाद, जातिवाद, द्रोणाचार्य जैसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा और किसी एकलव्य का अंगूठा या गला नहीं मांगा जाएगा. जब आपको उस दिन चोट लगा था तो आपको भी जाना पड़ा था मेडिकल सेंटर? नहीं, मैं मेडिकल के लिए नहीं गया क्योंकि मेरे बहुत से साथी थे जो उनको चोट लग रही थी, उन्हें मुझसे ज़्यादा चोट लगी थी. मैं उनको छोड़कर अपने छोटे से चोट के लिए मैं मेडिकल के लिए नहीं जा सकता था. मैं गया था हेल्थ सेंटर, मैं 8 बजे के आसपास गया. पहले मैंने कोशिश करी कि जिन लोगों को ज़्यादा चोट लगी है, जिनके खून आ रहा है, जैसे हमारे जो थे उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, शोम एक कॉमरेड है जिनके अंगूठा टूट गया था, पूरा सूज गया था, शोम गांगुली जिनका हाथ लगभग फ्रैक्चर हो गया था,
हम लोगों को हेल्प कर रहे थे, कुछ महिला साथी थे जो हम बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें और थोड़े पिटे, पर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। छात्र मूवमेंट ये सब चीज़ें सामान्य हैं, पर जो चीज़ में सबसे ज़्यादा आक्रोशित करी वो ये थी कि जो हमारे प्रोफेसर हैं जो क्लेम करते हैं कि हमारे संरक्षक हैं इस कैंपस में, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं तो छात्रों और अध्यापकों को एक समान मानता हूँ, एक स्पेस मानता हूँ जहाँ पे दोनों बैठ के डिस्कस कर सकें, पर उनकी मेंटलिटी है कि वो ऐसे संरक्षक अपने आप को मानते हैं, वो खिड़की में से झांक रहे थे और हंस रहे थे और हम पे खिल्लियाँ उड़ा रहे थे, उन्हें मज़ा आ रहा था कि हम पिट रहे हैं। मैंने देखा कई से प्रोफेसर वहाँ खड़े थे, शायद अप्पा राव भी वहीं थे, वो लोग सब मुस्कुरा रहे थे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, वो आपके मनुस्मृति को किस तरह इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया हुआ है। आपकी जो महिला पुलिसकर्मी थी मुट्ठी भर चंद थी, चार पाँच, उनके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं थे अपने आप को बचाने के लिए, उन पर हेलमेट नहीं था, उन पर डंडा नहीं था, उन पर गार्ड नहीं था। मतलब क्या है, वही मनुस्मृति को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि जो औरत है वो कोमल होती है, उसे घर में रहना चाहिए, वो पुलिस में आ भी गई तो उसको इक्विपमेंट नहीं दिया जाएगा, वो वैसे की वैसे ही रहेगी, वैसी जो हथियार है वो उसको छू नहीं सकती। तो क्या है, उसी चीज़ को लेकर हम लड़ रहे हैं। तो हम अपने प्रोटेस्ट को थोड़ा ब्रॉडर करना चाहते हैं। ये लड़ाई सिर्फ रोहित की नहीं है, अगर हम ये कहें कि रोहित को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है। हम उन हजारों रोहितों के लिए लड़ रहे हैं जिनके अंतिम खत, जिनका अंतिम सुसाइड नोट, जिनके अंतिम मैसेज मीडिया तक नहीं पहुंच पाता है। हम उन सभी इनडिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ लड़ रहे हैं, हम उन सभी लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ लड़ रहे हैं जिनके वजह से हजारों रोहितों को अपनी जान देनी पड़ती है, जो अपनी शिक्षा कंप्लीट नहीं कर पाते। हमारे समाज में सिर्फ 1% दलित विद्यार्थी कैंपस तक पहुंचते हैं, उनमें से उन लोगों को यहाँ पे जो पढ़ने आते हैं, जो स्कॉलरशिप लेके, जो GRF क्लियर करते हैं, उन मुट्ठी भर लोगों में से भी किसी को रोहित बनना पड़ जाता है। उसकी लड़ाई है कि भविष्य में ऐसा कुछ भी ना हो।